कूदो जल्दी कूदो, लाइन के लाइन। ओहो क्या लग रहा है भाई। ओ ओ भाई साहब, 11 साल बाद जो हम लोग का डैम फिर से बन गया तो कैसा लग रहा है? काफी मजा आ रहा है कूदने में। अभी लोग बोल्ट भी मारेगा, बैक फायर। ओ ओ माय गॉड, देखा देखी में सब कूद रहा है एकदम, सब छटका भी कूदेगा। ए याहू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, एंड और आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी चलते हैं, थोड़ा सा सामने ही हम लोग का घर के पास में डैम है तो उधर ही जा रहे हैं। यहाँ से लेना होगा राइट, मेरा यहाँ से डैम लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा डैम, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलते हैं फिलहाल और दिखाते हैं। फिलहाल तो देख सकते हैं गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू। अभी बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है, तो बारिश के कारण देख सकते हैं पूरा मौसम का व्यू। और अभी लगभग 8 बजने वाला है, मैं भी बज ही गया होगा 8, तो 8 बजे का टाइम है। और देख सकते हैं मौसम कैसा किया हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग तुरंत ही पहुंच जाएंगे, तो धीरे धीरे ही जाएंगे, आराम से जाएंगे। और दिखाते हैं गाइस आपको सारा कुछ, क्या व्यू है सामने जो डैम है हम लोग का, 11 साल बाद प्रॉपर जो है 11 साल बाद बन के तैयार हुआ है और उसमें 11 साल बाद पानी भरा है। तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या माहौल है, क्या नज़ारा है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे गाइस। तो फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा गाइस, बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं हंसते हंसते। हाँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से बस 2 मिनट लगेगा अगर स्पीडली आते हैं हम। मोस्टली अगर ज़्यादा स्पीड आते हैं तकरीबन वही 70 के आसपास में आते हैं, तो वहाँ जाने पहुँचने में हमको 1 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट लगता। तो मैं स्लो ही जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा रिक्स तो है नहीं अभी। तो फिलहाल पहुँचने वाले हैं, दिखाते हैं उसका व्यू। 11 साल बाद बना है हम लोग का डैम और काफ़ी सबको ही बहुत खुश होगा। तो 11 साल पहले जो था हम लोग का पूरा खेती करने के लिए बहुत समस्या होता था, पानी वगैरह के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो फिलहाल वो दिन अब दूर होने वाला है, तो फिलहाल चलते हैं गाइस डैम की ओर। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ जो है सामने है, और अब पहुँच ही गए हैं। अब यहाँ से दिखाते हैं आपको व्यू, यहाँ नहर सामने से जो दिख रहा है आपको, वहाँ से नहर जा रही है। तो फिलहाल यहीं से लेना होगा राइट हमको आगे से। ये वाला जो देख रहे हैं खंभा मेन गेट, ये लगभग 11 साल पहले बना है और पेंट वगैरह हुआ था तो, बट 11 साल में मेंटेनेंस के कारण झारखंड सरकार के द्वारा तो मेंटेनेंस नहीं किया जाता, बट अब इतना दिन बाद मेंटेनेंस हुआ है। देख सकते हैं ये वाला गेट है, बट इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। और देख सकते हैं नहर है, फाइनली 11 साल बाद ये नहर में पानी, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। पानी अभी गंदा है बिकॉज देखिए अभी नया नया पानी है, तो नया सब जगह नया नया पानी है, इसलिए मतलब गंदा है थोड़ा सा। और अभी ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अभी कंटिन्यू अगर 10-15 दिन बाद तक ऐसा रहा तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, साफ पानी हो जाएगा कन्वर्ट। ओके फिलहाल देख सकते हैं रोड यहाँ का काफ़ी ख़राब है भाई। झारखंड सरकार कम से कम ये सब चीज़ में ध्यान देना चाहिए पर्यटन स्थल में। अगर पर्यटन स्थल सही रहता तो बच्चे लोग इधर उधर घूमने ना जाते भाई। तो देख सकते हैं भाई इतना कादा वगैरह है, बहुत ज़्यादा कादा है। तो फिलहाल चलते हैं, खेती का टाइम है तो लोग यहाँ पर खेती वगैरह कर रहे हैं, सारा कुछ देख सकते हैं इधर खेती वगैरह चल रहा है। सब अपना अपना खेत में धान लगाएंगे, हम लोग भी लगाएंगे, हम लोग का भी नहर के जस्ट बगल में खेत है तो काफ़ी अच्छा है। और ये साल तो वो दोनों मतलब जितने भी सारे खेत हैं सामने, ये सब में प्रॉपर होने वाला है धान। देख सकते हैं धान होगा इस सब में, और बिकॉज इसमें पानी हमेशा अब रहेगा तो उसके लिए टेंशन नहीं है। ये सब खेत इतना बड़ा बड़ा खेत पहले सूख जाता था। चलते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है नहर गाइस, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इधर से चलते हैं, देखते हैं पापा भी आए होंगे मे बी, बिकॉज हम लोग का खेत में भी ट्रैक्टर वगैरह चलेगा तो पापा भी आए होंगे शायद, कल चला था फिर आज भी शायद चलने वाला है, तो पापा
अभी आएंगे, हमको बोले थे जल्दी आने बट हम सो के ही उठ नहीं पाए। तो देखते हैं इधर से, वाह चेक कर सकते हैं गाइस व्यू कितना प्यारा लग रहा है। इसमें अगर अच्छा पानी आएगा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। हम लोग का खेत किस साइड है आप लोग को दिखाते हैं। और ये ओ माय गॉड थोड़ा सा रिस्की है, क्या रिस्की कर सकता है, बिकॉज इसमें ग्रिप तो है बट फिर भी स्कीट करेगा, बरसात का टाइम है ना, तो बरसात का टाइम में रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ये वाला इस साइड जो इसके जो उस साइड में जो खेत है वो वाला खेत हम लोग का है। तो कल हलो चला था और देख सकते हैं नहा रहा भाई लोग, वहाँ चलते हैं ना गाइस, वहाँ चलने के बाद देखेंगे और ज़्यादा नहा रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है डैम का सीन। और इस साइड से हम लोग का गाँव वाला रास्ता शॉर्टकट वाला देख सकते हैं, इधर से शॉर्टकट वाला रास्ता है, एकदम शॉर्टकट वाला। और जहाँ पे हम रहते हैं उस साइड से होके इसका अच्छा वाला रास्ता है मेन रोड। और इधर देख सकते हैं खेती के लिए, माय गॉड खेती चल रहा है पूरा। और नहर का व्यू तो गाइस चेक कर सकते हैं ऊपर से, यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा लुक इसका सुंदर लगेगा, उस साइड भी देख सकते हैं। और हम लोग का और एक खेत है यहाँ पर बड़ा वाला, तो शायद इस पार से दिखे या ना दिखे, लेकिन उस पार से दिखेगा तो देखते हैं, जाने का कोशिश करेंगे उस पार। बाइक तो जाएगी नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है। वहाँ से जा सकते थे बट वो वाला खेत है गाइस देख सकते हैं, इसके जो उस पार में है ना वो मिट्टी दिखाई दे रहा, पानी वगैरह नीम का पेड़ का बगल में वो वाला है। और इधर भी खेत है हम लोग का इस साइड में, तो इस साइड वाला भी होगा। आज तो उतना कोई आया नहीं, कल बहुत ज़्यादा कोई आया था, बिकॉज अभी पानी बढ़ ही रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा कोई आया था। आज उतना कोई आया नहीं है नहाने के लिए, उस साइड में आया होगा मैं भी, चेक कर सकते हैं गाइस। इसको अगर झारखंड सरकार अच्छे से संभाल के रखेगी तो ये पिकनिक स्पॉट्स काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट्स होगा। यहाँ पर डैम देख सकते हैं 11 साल बाद बना है गाइस देख सकते हैं। इधर पार्क पर पार्क वगैरह भी बन सकता है बट पता नहीं सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही। तो उधर से चलेंगे, सामने फिलहाल कादा है, मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई साहब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं व्यू, वहाँ तक जाएगी कि नहीं, फंस जाएगी फिलहाल। तो चेक करते हैं भाई इसका लाउड एग्जॉस्ट लाउड क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं गाइस आगे से एयर निकल रहा होगा, देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा चेक करेंगे इसको, गाड़ी का व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा, कितना सुंदर गाड़ी का व्यू, काफ़ी प्यारा लग रहा भाई। ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ शायद में भी हमको लग रहा हवा निकल रही होगी थोड़ा थोड़ा। देख सकते हैं गाड़ी को यहीं पार्क करना पड़ेगा, बिकॉज उधर तो जाएगी नहीं बाइक, तो फिलहाल पैदल जाना पड़ेगा, काफ़ी कीचड़ है देख सकते हैं। और अभी आगे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं गाइस व्यू कितना प्यारा लग रहा है, अभी जाएंगे, गाड़ी उधर पार्क कर दी है फिलहाल, अभी उधर जाएंगे उस साइड देखते हैं। सब कोई भाई लोग नहाने आया है तो अभी देखते हैं कौन कौन नहा रहा है, और देखते इधर का व्यू चेक कर सकते हैं। 11 साल बाद फाइनली जो है ये 11 साल बाद इतना ज़्यादा पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये वाला हिस्सा जो होता है हम लोग का खेत हुआ करता था कभी, ये यहाँ से यहाँ तक, और अभी फिलहाल पानी भर गया है तो अब इसमें कुछ होगा नहीं, खेती वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज अभी 11 साल टूटा हुआ था तो आदमी कर रहा था, उसके बाद अभी फ़िलहाल तो उधर पूरा भर जाएगा, उस साइड अभी पानी ज़्यादा होगा उस साइड तक भर जाएगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं, देख सकते हैं उधर वाला व्यू पूरा, कुछ दिन जाने के बाद देखते हैं बोट उट का प्लानिंग करते हैं, बोट उट छोड़ेंगे यहाँ पे। और देख सकते हैं गाइस व्यू चेक कर सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है, 11 साल रही है हमको। और फिलहाल चलते हैं उस साइड और उन लोग से पूछते हैं कि फाइनली हम लोग का जो गाँव में है 11 साल बाद इतना पानी देखने को मिल रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है हम लोग को, तो वही पूछेंगे। और देख फिलहाल देख सकते हैं पेड़ उड़ हो गया था, पेड़ भी हो गया था काफ़ी सारा। और ये वाला पेड़ है बबूर का पेड़ है, इसमें कांटा काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कांटा है, कांटा रहता है, काफ़ी दूर तक पानी फैल गया उस साइड से। दो साइड से हम लोग का यहाँ पे पानी आता है, एक इस साइड से ये इधर भी है और एक इधर है, दो साइड से पानी आता है और यहाँ के जमा होता है, स्टोरेज होता है। और ये साइड है ये नहर, नहर से मतलब ओवरफ्लो जब भी होता है पानी तो इस साइड से होके, और उस साइड भी एक नहर है तो उधर से होके भी जाती है पानी निकलता है। तो फिलहाल देख सकते हैं व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है, अभी मौसम थोड़ा सा डाउन है और बादल भी छाया हुआ है, तो पता नहीं कैमरा में कैसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। उधर जा के नहा रहा है, यहाँ मिनिमम हमको लग रहा 30 फीट गड्ढा होगा, मिनिमम
40 फीट्स देख सकते हैं, फिर भी बंदे लोग उधर जाके नहा रहे हैं। यहाँ भाई लोग से पूछते हैं, जब फाइनली पूछते हैं अपने भाई लोग से, मेरा ही गांव का सार सब कोई देख सकते हैं नहाने के लिए आया है, तो पूछते हैं इधर 11 साल बाद जो हम लोग का डैम फिर से बन गया तो कैसा लग रहा है? 11 साल बाद खेती करने में मतलब ज़्यादा सुविधा होगा, अब सुविधा इस सब ज़्यादा पानी, हाँ पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। तो भाई का कहना है कि अभी इतना दिन बाद पानी आया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, खेती करने में काफ़ी आसानी होगा, बिकॉज 11 साल पहले खेती में काफ़ी ज़्यादा ही होता दिक्कत होता था, बिकॉज पानी वगैरह सारा कुछ सूख जाता था तो प्रॉपर खेती नहीं हो पाती थी। अब कितना खुशी महसूस हो रहा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं गाइस इतना दिन बाद पानी देख के काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। अभी लोग सब नहाएगा, सब बंदा लोग नहाएगा, अभी देख सकते हैं जितना भी है सब भाई लोग नहाएगा, इस साइड जंप लगाएगा ना, इस साइड लगाएगा जंप, इस साइड जंप लगाएगा। देख सकते हैं यहाँ कितना पानी होगा, 30 फीट मिनिमम 30 फीट पानी होगा गाइस, देख सकते हैं। और यहाँ पर सबको फिलहाल तो देख सकते हैं एक बंदा नहा रहा है, और ये लोग भी नहाएगा तो दिखाएंगे उसका वीडियो भी, कैसे करके जंप लगाएगा, कैसे करके उस पार जाएगा सारा कुछ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब खचाखच कीजिए गाइस। और फिलहाल नहर का पानी इस साइड से निकल रहा है, देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। फाइनली देख सकते हैं ये लोग नहाने के लिए रेडी हो गया, पूरा एकदम पैंट उंट खोल लिया है, अब कूदेगा एकदम धकाधक पूरा एकदम ऊपर से कोई, वहाँ से कोई, यहाँ से जहाँ मन वहाँ से कूदेगा सब कोई। तो दिखाते हैं गाइस वीडियो कहाँ कहाँ से क्या करता है ये लोग। फिलहाल तो देख सकते हैं इधर ऊपर जाते हैं, ऊपर से दिखाते हैं सीन वगैरह, और ऊपर से कुछ ऐसा सीन है, काफ़ी भयानक लुक लग रहा भाई, इधर से काफ़ी प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त वाला सीन लग रहा है। देख सकते हैं उस साइड भी लेडीज़ लोग नहा रही है, उस साइड भी सारा जगह, अभी मतलब गेट खुला नहीं है, पानी ओवरफ्लो होता है तभी गेट छोड़ता है ये, तो कल खुला था आज खुला नहीं है, आज थोड़ा सा पानी कम है, इस साइड से निकल रहा है ना पानी, इस साइड से ज़्यादा पानी निकल रहा तो इसलिए गेट नहीं खुला है। और फिलहाल देख सकते हैं भी गेट खोलता है तो ये सब सारा पत्थर वगैरह सब बहा के चल जाता है, और उस साइड में हम लोग का खेत है, देख सकते हैं उधर वाला भी, अब खेती तो होगा भाई ज़बरदस्त वाला, सब कोई करेगा खेती। देखते हैं फिलहाल लोग कैसे कूदता है, हम लोग का गाँव का चड्डी मन सब देख सकते हैं कैसे कूदेगा, सब चड्डी पहन के नहा रहा है एकदम मस्त, गजब बेइज्जती है। कोई नहीं, गांव में तो चलता है सब, बड़ा हरामी हो, सब कोई कूदेगा अभी धकाधक, देख सकते हैं सब उठ रहा है एकदम लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन कूद रहा है एकदम पूरा खतरनाक तरीके से, ऊपर नीचे जहाँ तहाँ से कूद रहा है। अरे उसको उठाओ, उठने नहीं चाह रहा भाई, उसको उठा, देख सकते हैं इधर से, उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था गाइस, तो अभी फिलहाल फिर से कूदेगा आपसे भी ऊपर से, तो देख सकते हैं चढ़ रहा ऊपर, कितना हाई है देख सकते हैं, कितनी काफ़ी ज़बरदस्त हाई है, फिर भी कूद दे रहा देख सकते हैं यहाँ से, ओ ओ ओ माय गॉड, पूरा आराम से देख सकते हैं कितना हाइट है भाई, फिर भी बंदा लोग कूद रहा, हम भी कूदते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं कूदते हैं। ओ भाई 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 साहब का पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा, 30 फीट याहू, काफ़ी मज़ा आ रहा है कूदने में, अभी लोग बोल्ट भी मारेगा बैक फायर, ओ ओ माय गॉड, देखा देखी में सब कूद रहा है एकदम, सब छटका भी कूदेगा, ए याहू पेट में लगा होगा इसको, कूदो कूदो कूदो, अब ये भी कूदेगा, उसका गमछा खुल गया है ना का, हैं गमछा खुल गया, कूदा ओ भाई, आराम से छलकेगा आराम से, देख सकते हैं सब कोई कूद रहा है एकदम पूरा मज़ा आ रहा, हमको भी कूदने मन कर रहा, हम भी देखते हैं कूदेंगे, कूदो जल्दी कूदो, ओ ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मज़ा, व्यू चेक कर सकते हैं गाइस, काफ़ी सुंदर व्यू है। और फिलहाल ये दोनों भी बंदा कूदेगा, ओ ओ माय गॉड, इतना हाइट से कूद रहा बंदा, हमी को डर लग रहा भाई, ये यो 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 यो
भयानक कुदरत। इधर मत आओ, खींच लेगा पानी, उधर जाओ। अभी उल्फा धाक सब लाइन के लाइन, उल्फा धाक, उल्फा धाक आरोप करता है। अभी लोग बाजी मारेगा, देख सकते हैं भाई सब कोई। ओहो क्या प्रैक्टिस चल रहा है भाई, धाक पूरा जल्दी धाक। देख सकते हैं हम लोग खट्ठा में अपना लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, गांव का विलेज का सब बंदा लोग अपना गांव का ही है, इधर का ही है। और पानी आने के बाद खुशी देख सकते हैं, कितना खुशी भाई, डेली नहाने आएगा वहीं पे, यहीं पे नहाएगा सब। और एक से डेढ़ घंटा नहाने में टाइम लगेगा इन लोग को, एक तुरंत तो जाएगा नहीं, अभी बहुत देर कूदेगा पानी में। देख सकते हैं कूदो, जल्दी कूदो, लाइन के लाइन। ओह हो क्या लग रहा है भाई, ओ ओ भाई साहब पूरा है। अब सब देगा एकदम लाइन बाय लाइन, आगे वाला बोल्ट मारेगा सब। ओ ओ ओ याहू, पहला स्टार्ट, या बाप रे, खतरनाक तरीके से दे रहा है एकदम। अब ये भी देगा, ओ ओ भाई साहब पानी का एकदम भरपूर आनंद ले रहा, पूरा मजा ले रहा है एकदम पानी का एकदम सब बंदा काफी ज्यादा मजा आ रहा है। देख सकते हैं अब इसके बाद छोटका का करने वाला भाई, ओ भाई साहब इससे तो ना हो पाया अब इसका बारी है, ओ टाइगर जंप। ओ भाई साहब पूरा एकदम होड़ लगा है एकदम पूरा बोल्ट मारने का। ओ ओ देख सकते हैं काफी एकदम खतरनाक तरीके से सब कोई मार रहा है, और ये भी मारेगी, ये तो काफी अच्छा मार रहा है देख सकते हैं। और फिलहाल चेक कर सकते हैं गाइस व्यू, और जो जो तैरने नहीं जानता वो इधर नहाता, सब कुछ देख सकते हैं। इधर जो तैरने जानता फिर भी इधर नहाता है, और जो नहीं जानता वो उधर नहाता, तो देख सकते हैं। अभी फिलहाल गाइस वीडियो को करना होगा यहीं पे एंड। तो फाइनली गाइस वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगा तो यहाँ पे घूमने भी आ सकते हैं। यहाँ से पिंडाजोरा लोकेशन है इसका, पिंडाजोरा मोड़ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, राइट साइड में है रोड, और यहाँ घूमने आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल अभी पानी तो भर गया है, और इसके बाद भरा ही रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, बाय बाय। लोकेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा।